यः श्रद्धया एतत् भगवत् प्रियानां पाण्डोः सुतानां इति संप्रयाणं शृणोति अलं स्वस्ति एनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम्। यः श्रद्धया एतत् भगवती प्रियाणां पाण्डोः सुतानां इति संप्रयाणं शृणोति अलं स्वस्ति एनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम्। अनुवाद शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, आप भी दोहराइएगा। यह जो कोई श्रद्धया श्रद्धापूर्वक एतत् यह भगवती प्रियाणाम भगवान के अत्यंत प्रियजनों का पांडु पांडु के सुतानाम पुत्रों को इति इस प्रकार संप्रयाणम चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान श्रृणोति सुनता है अलम केवल स्वस्ति एनम सौभाग्य पवित्रम पूरी तरह शुद्ध लब्ध्वा प्राप्त करके हरौ भगवान की भक्तिम भक्ति को उपैति प्राप्त करता है सिद्धिम सिद्धि को। तो ये सरल चीज है। यह श्रद्धया एतद् भगवती प्रियाणाम पांडोः सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम स्वस्ति एनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धिम। तो और इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सबसे पहली पंक्ति में लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को मिलाकर फिर श्रीमद् भागवतम होती है। और बल्कि एक ग्रंथ भागवत है और एक भक्त भागवत। तो भक्त भागवत जो कि अपना अपने जीवन से भगवान का गुणगान करता है, और इसलिए भगवान ने तो भगवान आदि पुराण में आ रहा है कि ये मैं भक्त जना पार्था। तो जो मेरे को ये मैं भक्त जना पार्था कि जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है ना मैं भक्त जना पार्था कि वो मेरा भक्त नहीं है। ये मैं भक्ता नाम च मैं भक्ता कि जो अपने को मेरे भक्तों का भक्त कहता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तो बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर मतलब देवी पुराण में भी आ रहा है कि शिव जी भी पार्वती जी को कह रहे हैं कि बहुत फेमस श्लोक है, तो देवी पुराण में वहाँ पर शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि आराधनाएं बहुत सारी हैं, बहुत से वेदों में शास्त्रों में अनेक अनेक देवी देवताओं का गुणगान लिखा है, पर उन सब में से आराधनानाम सर्वेशाम उन सब आराधनाओं में से विष्णु आराधना परम
विष्णु की आराधना पर्व है। और उससे भी ऊपर बता रहे हैं कि तस्मात परतरम देवी, तस्मात उनमें से भी, तस्मात परतरम, परतरम पर मतलब बियॉन्ड, परे है, परतरम मतलब सबसे श्रेष्ठ क्या है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है, विष्णु की आराधना से भी परम क्या है, तस्मात परतरम देवी तदिया नाम, तदिया नाम कि आपकी, आपके भक्तों का गुणगान वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तदिया नाम समर्चनम, वास्तव में भगवान का गुणगान यानी कि भगवान के भक्तों का गुणगान है, क्योंकि भगवान का गुणगान केवल कनिष्ठ अधिकारी भी कर सकता है, पर भक्तों का गुणगान करने के लिए तो अनुभव चाहिए। भक्तों का गुणगान करने, भक्तों का गुणगान करना मुश्किल भी है एक्चुअली, क्योंकि क्योंकि भगवान हमें तो, भगवान तो, भगवान हमें रोकते नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, भगवान है उपदृष्ट अनुमंता, है ना, भगवान तो ऊपर से देखते हैं, पर भगवान के भक्त एक्चुअली हमें, वो भी हमें उत्साह देते हैं, और फिर जब हम अपनी मर्यादा लांघते हैं तो फिर हमें रोकते भी, तो दोनों चीज़ें, भगवान भी हमें, भगवान भी हमें उत्साह देते हैं, और भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही फिर हमें प्रेरणा देते हैं, नहीं तो हम मर्यादा को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए भक्तों का रोल एक्चुअली भगवान के रोल से कहीं ज़्यादा है, बल्कि भगवान भक्त से भी ज़्यादा कृपालु होते हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद भी भगवद्गीता में लिख रहे हैं कि भगवद्गीता में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को इस ज्ञान को मत दो, भगवान कह रहे हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, क्योंकि वो हर किसी को ये ज्ञान देना चाहते हैं, एक बार तो कम से कम ज़रूर प्रयास करते हैं, अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते, और इसलिए भगवान की इच्छा समझकर, एक्चुअली वो भगवान की इच्छा समझते हैं कि भगवान तो चाहते ही हैं कि हर तरह मतलब उनके सभी बच्चे उनके पास वापस आएं, पर फिर बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, पर इसलिए भगवान के भक्त भगवान की इच्छा समझकर हर किसी को भगवान से जोड़ने का फिर भी प्रयास करते हैं। जब यहाँ तक कि तो नित्यानंद प्रभु के लिए तो ये भी कह रहे हैं ना, मार खाए प्रेम दे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो उन्होंने तो, वो तो अपने ऊपर मतलब संकट झेल कर, बल्कि निंदा सहन कर कर फिर भी भगवान का प्रेम देने के लिए रेडी हैं वो। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त भागवत, इसलिए यहाँ पर आ रहा है तो यह श्रद्धया एतत, इस प्रकार की श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, भगवान में तो श्रद्धा है ही, पर भक्तों के बारे में और बल्कि भक्तों के प्रति दृढ़ विश्वास कि हम कि भक्त ही मुझे भगवान से मिला सकते हैं, कि वो सॉन्ग भी है ना कि तुम क्या है कि कृष्णा से तुम्हार शक्ति आचे, कि मुझ में शक्ति नहीं है, वही वैष्णव ठाकुर उसमें आ रहा है, वही वैष्णव ठाकुर कि कृष्ण आपके हैं। एक्चुअली अहंकार है अगर हम ये बोलेंगे कि कृष्ण हमारे, वही वैष्णव ठाकुर तो वैष्णव सॉन्ग्स में आ रहा है कि कृष्णा से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं और आप चाहें तो आप हमें कृष्ण दे सकते हैं, ये सही अप्रोच है। तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, भक्त भगवती प्रियाणाम, तो भगवती प्रियाणाम श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि वो भक्त जो भगवान को बहुत प्रिय है, और इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, भगवान को और प्रसन्न करने, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान को ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम भक्तों को अप्रोच करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग फूल चढ़ा सकते हैं, धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, पर भगवान को अगर और ज्यादा प्रसन्न करना है,
उसके लिए फिर भक्तों का गुणगान करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त भगवान का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज स्टिल बेटर, बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या था। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो केवल भाइयों के बीच में लड़ाई थी, एक ही परिवार में लड़ाई हो रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे तो संसार में कितने घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, तो हम उनके बारे में क्यों नहीं सुन रहे। तो वहां पर बता रहे हैं कि क्योंकि वहां पर पांडव थे, अर्जुन था, वहां पर भगवान के भक्त हैं, और पांडवों ने किस प्रकार परिस्थिति को उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने कैसे परिस्थिति उन परिस्थितियों में भी, उन कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार उन्होंने भगवान के नाम पर आँच नहीं आने दी। सारी परेशानियां खुद पे झेल गए वो, और एक बार भी भगवान पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई, एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि भगवान आपने मेरे जीवन में ये सब क्या कर दिया। कुंती महारानी एक बार भी प्रश्न नहीं कर रही, पांडव एक बार भी प्रश्न नहीं कर रहे, पांडवों के पुत्र मारे गए, पांडव फिर भी कहां जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। कहां प्रस्थान कर रहे हैं, संप्रयाणाम। नहीं तो पांडव कह सकते थे कि भगवान हमारे तो पुत्र ही खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। द्रौपदी भी अपने बारे में नहीं सोच रही, सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी, ये सब अपने जीवन से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हम तो पंक्तियों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना, कुछ शब्दों से कर रहे हैं, पर वो शब्द हमारे नहीं है, ये लोग अपने जीवन से कर रहे हैं। तो भगवान इनके ऋणी हो जाते हैं, अपने आपको मार लेते हैं, भगवान तो क्या ऋणी होंगे। पर क्योंकि हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे गए, फिर भी हरिदास ठाकुर हंस रहे हैं। तो भगवान के भक्त ही भगवान का वास्तव में गुणगान करते हैं। इसलिए कृष्ण से तो मार, कृष्ण उनके हैं, हमारे नहीं हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये वास्तव में श्रद्धा है कि कृष्ण हमारे नहीं है। हमें अपनी पोजीशन भी याद रखनी है। यह श्रद्धा एतत् भगवती प्रियाणाम, वो वास्तव में भगवान के प्रिय हैं। कौन? पांडव सुतानाम, पांडुपुत्र। इति संप्रयाणम, और इति संप्रयाणम तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रयाण मतलब जाना, संप्रयाणम मतलब पूरी तरह से इस संसार से जब वो फाइनली अपने अल्टीमेट लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है उनको। और क्या कह रहे हैं कि श्रृणोति, इस प्रकार जब वो हम भक्तों के जीवन के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कैसे श्रृणोती, तो अलम केवल इसी प्रकार क्या होगा, स्वस्ति एनम, हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। भक्तों के जीवन के बारे में सुनते ही, बल्कि अगर भक्ति में कभी भी हमें उत्साह नहीं आ रहा या कभी भी हम निरुत्साहित हैं, तो प्रभु जी बता रहे थे कि उस समय भक्तों के जीवन के बारे में पढ़ो कि उन्होंने संकट को कैसे, अपनी परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों में, उन संकट कठिन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, तो फिर हमें उत्साह मिलेगा कि हमारा संकट तो कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में जो उथल पुथल है वो तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने कितना झेला, श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितना सहन किया। श्रील प्रभुपाद तो 30 साल तक प्रयास करते रहे, कोई नहीं जुड़ा। ऐसा नहीं है कि बड़े यार के इस्कॉन बड़े आराम से बन गया, 30 साल तो प्रयास करने में लग गए, और आज हम जो भी हम कर पा रहे हैं वो प्रभुपाद के नाम से ही हो रहा है, और बल्कि प्रभुपाद ने ही भगवान कृष्ण की भक्ति पूरे विश्व में फैलाई। तो ये तो प्रमाण ही है कि भक्त ही भगवान का गुणगान करते हैं वास्तव में। श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में जहां पर आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ था ही नहीं, उनको भगवान की भक्ति दे दी, और बल्कि वहां पर जो क्रिश्चियंस थे तो वहां पर जो पत्रकार भी थे, वहां पर लोग कह रहे थे कि ये जो अमेरिकन, ये जो लड़के और लड़कियां, ये तो पहले भी थे यहाँ पर, ये चर्चेस तो पहले भी थे, पर चर्चेस वहां पर पहले खाली थे, और अब क्या हो गया कि ये चर्चेस भरे हुए हैं।
तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अब यहां पर वास्तव में कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है, ये प्रमाण है कि यहां पर मंदिर भरा हुआ है। नहीं तो हम देखते हैं कि मंदिर खाली होते हैं, है ना, सिर्फ फेस्टिवल में भरे होते हैं, पर वैसे मंदिर आजकल खाली हैं, नहीं? तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र भी, हम कुरुक्षेत्र के बारे में क्यों पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के जीवन की चर्चा है, और हमें वहां से क्या निकालना है कि उन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में क्या किया, वो हमें सीखना है। और इसलिए भगवत गीता भगवान कह रहे हैं कि प्रियकृत कि न च तस्मान मनुष्येषु, कि बल्कि इसलिए जो मनुष्य, भगवान भगवद्गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं न च तस्मान मनुष्येषु, मनुष्यों में, कि वो वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है जो भगवद्गीता के इस संदेश को प्रिय कृत्तमः, तो वो वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है जो मेरे इस संदेश को दूसरों को दे रहा है, क्योंकि ये भगवान का काम है। भगवान 18वें अध्याय में यही कह रहे हैं कि हमारा क्या काम है, हमारे यही काम है कि हम इस संदेश को दूसरों को दें, और वो संदेश क्या है, क्या संदेश देना है, भगवत गीता का, तो ठीक है, भगवत गीता का संदेश क्या देना है, भगवान के पास जाने के लिए भगवान की शरणागति, थ्योरी है, भगवान हमारे बीच में जो कनेक्शन है, वो तो मतलब ठीक है, आंसर ठीक है, बट सटीक नहीं है। भगवत गीता का मैसेज क्या है, थ्योरी, पूरी थ्योरी, सिंपली डिपेंड अपॉन कृष्णा, क्लोज है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, मछली की आंख चाहिए, बिल्कुल एक चीज जो करनी है, एक चीज जो करनी है, नहीं अभी कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, भक्तों का संग बिल्कुल थ्योरी है। करना क्या है भक्तों के संग से, क्या करना है, अभी तो डिस्कस किया हमने, हाँ तो उसमें क्या करना है, ठीक है, आप क्लोज आ रहे हैं, भगवान पर विश्वास में एग्जैक्टली बच्चे को बताना पड़ेगा ना क्या करना है, हाँ ठीक है, डिपेंड होना, पर उसमें क्या करना है, भगवान के भक्तों में विश्वास में करना क्या है, उनका गुणगान कैसे करेंगे, उनकी सेवा करके, थ्योरी है, वो प्रेम नहीं है, वो आज्ञा है। प्रेम नहीं है ना, प्रेम कुछ और है, प्रेम क्या है, करना क्या है, सब थ्योरी चल रही है, अभी तो हमने डिस्कस किया, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, करना क्या है, मानस भक्तों के जीवन में क्या है जो हमारे जीवन में नहीं है, उनके, हाँ क्या देखना है, वही तो, हाँ ये एक्चुअली भगवत गीता का मैसेज यही है कि भगवान पर कभी ब्लेम मत करो, कभी भी अपनी कठिन परिस्थितियों में भगवान पर उंगली मत उठाना, ये भगवत गीता का मैसेज है, बाकी सब थ्योरी है। हमारे जीवन में जब कष्ट आएगा हम सब कुछ भूल जाएंगे, नहीं, और उपाय करने के लिए भागेंगे, ये तो उपाय करने के लिए नहीं भाग रहे, चुप रहना, नहीं, कष्टों में, कष्टों को सहन करना, यही तो है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षण, यही है भगवद्गीता का मैसेज कि जो भी आ रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, ये करना है भगवद्गीता का, ये मैसेज है, और कोई मैसेज नहीं है, नहीं यही तो है मैसेज कि जो भी आ रहा है, चाहे जिसने, तो रामानुजाचार्य के गुरु थे, तो ऐसी लेक्चर कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो भीड़ में से किसी ने खड़े होकर उनको गाली दे दी, अपशब्द बोल दिए, तो उनको रोना आ गया कि वास्तव में तुम मेरे को समझ गए। वो ये नहीं कह रहे इसको बिठा दो, इसको बाहर करो। वो कह रहे हैं, वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये वास्तव में भगवान की ही प्रेरणा से मेरे को कुछ बता रहा।
ये है भगवद गीता का मैसेज, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तभी तो आंसर नहीं आ रहे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्तों का संग करो, हम कह रहे हैं भगवान का विश्वास होना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है, तो ये सब क्या है? ये सब थ्योरी है, क्योंकि जब कष्ट आएंगे हम इधर उधर भागेंगे और बल्कि मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। यही होता है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, हमने बल्कि लोगों के साथ ऐसा किया है, इसलिए वो चीज़ वापस आ रही है, ये हम कभी नहीं सोचते। प्रभु जी ने एक बार बोला था कि कोई इस संसार में कोई बेचारा नहीं है, हम सब जघन्य से जघन्य अपराध, मतलब अपने बारे में तो मैं तो कह सकता हूँ कि हम सब जघन्य मतलब घोर पाप करके आए हुए हैं, तभी तो सफर कर रहे हैं। ऐसा कोई सोचता नहीं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये तो मैसेज ही नहीं है, ये मैसेज ही नहीं है। इसी को कहते हैं भगवान का गुणगान करना। और सभी भक्त इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, तभी तो भक्त भगवान का गुणगान करेंगे। उन कष्टों में भी अगर भगवान का नाम वो लेते रहेंगे कि आपकी कृपा से ये कष्ट कम हो गए, ये गुणगान है, बाकी तो शब्द है सब, बाकी क्या है? बाकी कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, करते रहो। प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस यही करनी है कि जब दुख आएंगे तब फिर हमें भगवान पर आरोप नहीं लगाना, अपना स्वामी को चेंज नहीं करना, हमारे स्वामी वही रहेंगे, कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान, वो भगवान भी बाद में है, वो हमारे स्वामी है। कि अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, सब कुछ आप ही को अर्पण है। तो ये श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, और इसलिए श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसा कुछ करो कि ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देखे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज यही कहते थे कि दृग दृश्य विचार, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा अपने जीवन में कुछ कर जाओ कि भगवान देखें कि ये वास्तव में मेरा भक्त है। यही तो भगवान, यही तो कह रहे हैं भगवती प्रियाणाम, भगवान को पांडव बहुत प्रिय हैं और इसलिए उनके जीवन के बारे में सुनना और श्रेष्ठ है। और इसलिए ये कह रहे हैं कि हम सुबह मंगल आरती में भी तो यही गाते हैं, साक्षात हरि तो है ना, समस्त शास्त्र है उक्तस तथा भव्यते एव सद्भी, कि साधु लोग भी यही कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के ही समान उनका दर्जा है, अगर हमारा जीवन ऐसा है तो। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी भगवान पर आरोप नहीं लगने दिया, बल्कि उन्होंने भगवान के लिए चिंता की। वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, वो क्यों कर पा रहे हैं? वो क्यों कर पा रहे हैं, पांडव क्यों कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रेम के कारण। हाँ, प्रेम, प्रेम में भी कुछ सोच रहे होंगे ना, तो प्रेम में सोचना क्या है? प्रेम से तो स्वाभाविक हो जाएगा, ये जिससे वास्तव में प्रेम होता है उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। जैसे बच्चे के लिए प्रेम होता है, बच्चों के लिए प्रेम होता है तो कभी अपने कष्ट नजर आते हैं, माता पिता को कभी अपने कष्ट नजर आते हैं, कभी नहीं। तो प्रेम से तो होगा, पर अभी हमें सोचना है वो पांडव सोच क्या रहे हैं, प्रेम में क्या सोचा जाता है। वो तो थोड़ा सा अपने फलश्रुति वाली बात कर दी। क्या वो ठीक है, इतना वो नहीं, वो तो हम सोचते हैं सेवा कैसे करनी, पर वो फीलिंग नहीं आती ना, केयर नहीं, वो चिंता कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है उनको। जैसे माता पिता बच्चे की चिंता करते रहते हैं ना हर समय, मतलब कल भी एक परिवार आया था, वो कह रहे थे कि प्रभु जी इसको समझाइए, एग्जाम में चिंता बहुत करते हैं बच्चे एग्जाम में चिंता बहुत करती है, तो माता पिता चिंता कर रहे हैं उसके बारे में, नहीं सवेरे सवेरे उठ रहे हैं तो उसने सुबह उसका एग्जाम है जल्दी उठा दो कहीं लेट ना हो जाए,
प्रशा मतलब टिफिन पैक करके दिया नहीं दिया, उसका स्कूल से बस आने वाली होगी, तो चिंता कर रहे हैं कपड़े तैयार हैं कि नहीं तैयार, कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, देखो रुमाल लाकर दो उसको नहीं, फिर बच्चे स्कूल से वापस आने वाले हैं, अरे उसको लेने जाना है, सारा समय ये चलता रहता है, बाकी काम भी चलता रहता है, तो वो चिंता कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त भगवान के बारे में चिंता करते हैं, उनकी दृष्टि से चिंता करते हैं कि देखो अगर मैंने कुछ आवाज उठाई तो भगवान का नाम खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे है ना, तो वो चिंता करते हैं इसलिए वो कर जाते हैं। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर जाते हैं, है ना। तो ये प्रेम के अंदर ये हो रहा है, चिंता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद को सर में दर्द होता था, इतनी चिंता करते थे भगवान के प्रचार के लिए, पर वो क्या प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है, तो वो चिंता बुरी नहीं है क्योंकि वो चिंता हमें भगवान से जोड़ रही है, वो हमें प्रेम तक लेके जाएगी, है ना। इसलिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो प्रोग्राम ना करें आराम से सब बैठे रहें, नहीं मतलब प्रोग्राम करते हैं उसके लिए स्पेशल बुलाया जाता है, पोस्टर बनाए जाते हैं, प्रसाद बनाया जाता है, कितने भक्त सेवा करते हैं, इतने भगवान का डेकोरेशन होता है, ये सब क्यों है? क्योंकि भक्त सोच रहे हैं कि बाकी कि दूसरों का कल्याण कैसे होगा, इसी प्रोग्राम के माध्यम से वो हो सकता है कुछ सेवा कर जाए, उसका कुछ अकाउंट बने और वो अपने जीवन में कुछ कर जाएगा, तो सेवा क्रिएट करते हैं। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि वैष्णव की एक परिभाषा है कि वैष्णव प्लान करता है कि दूसरों का कल्याण कैसे होगा, और उसके लिए वो भक्तों को उठाता भी है, और अगर वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बिठा भी देते हैं। तो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है जो हो रहा है सब, पर हमें इसलिए यहाँ पर ये करें साक्षात हरि तो ना, इसलिए गुरु की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि वो आपको उठा रहा है, दोनों तरीके से उठा रहा है, अगर वो आपको रोक भी रहा है तब भी आपको उठा रहा है, और इसलिए हमें यही समझना है। इसलिए अध्याय का आखिरी श्लोक है, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन कह रहा है? भगवान, स्वयं भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, शिवजी भी पार्वती जी को यही कह रहे हैं, तदिया नाम, आपके जो आपके प्रिय हैं हम उनका गुणगान करें, बस ये सिंपल हमें समझना है। और इससे क्या होगा? श्रृणोति, ये सुनना है, और अलम स्वस्ति एनम, ये वास्तव में हमारा जीवन पवित्र कर देगा। अब समय आए कैसे हमारा जीवन पवित्र हो रहा है, फिर से बताइए हमारा जीवन पवित्र कैसे होगा? हाँ, और ज्यादा सटीक वाला आंसर, ये तो आंसर है ही, परवाह करना, परवाह करके हम क्या करेंगे? हाँ, भगवान का काम करेंगे, यानी कि ये संदेश दूसरों को देंगे, और वो संदेश क्या है? जो याद रखना था वो भूल गए ना फिर भी। हाँ, कभी भी अपने जीवन में भगवान को, भगवान अपने मास्टर को कभी चेंज नहीं होने हमें करना, है ना। कृष्ण ही हमारे भगवान मतलब हमारे स्वामी हैं, और अपने जीवन में भगवान का गुणगान कैसे होगा? कभी भी भगवान पर ब्लेम ना लगाना, ये हमें प्रैक्टिस करना है ना, चिंता करके। यही तो हम यही चिंता कर रहे हैं कि आप पर ब्लेम ना आए, मैं चाहे खत्म हो जाऊं, पांडव यही खत्म हो गए ना, पर भगवान पर ब्लेम नहीं आने दिया, तभी तो आज भी गुणगान हो रहा है उनका। तो यही है लब्धवा, ये प्राप्त करके स्वस्ति एनम, ये हमारे जीवन को पवित्र करेगा। लब्धवा, ये इससे मिलेगी हरौ भक्ति भक्तिम उपैति सिद्धम, ये जीवन की परफेक्शन है। हर किसी को अपने पे काम करना है ना, प्रचार भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शुद्ध हो सकें, मतलब एक दृष्टि से दूसरे का कल्याण भी तभी होगा ना। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जीवन सार्थक नहीं होगा तो दूसरे पर परोपकार कैसे करोगे? तो हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम कभी भी अपने स्वामी को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि भगवान का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे, है ना। तो इसलिए भक्तों का गुणगान करते रहेंगे, चाहे मेरे जीवन में जो मर्जी हो जाए, भगवान के और भगवान के भक्तों का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।